बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद रिया वापस अपने घर लौट आई है। भयानक जेल से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने खुशी जाहिर की, साथ ही जेल में वो कैसे समय बिता रही थी इस बारे में भी बताया। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही तीन केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी के लिए कहा कि वह रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई हैं। रिया चक्रवर्ती ने भाईखला जेल में 28 दिन गुजारे थे, ऐसे में सतीश मान शिंदे ने उन्हें फाइटर कहा है। सतीश मान शिंदे ने कहा, मैं खुद जेल में जाकर उनकी हालत देखता था क्योंकि वह केवल परिस्थितियों का शिकार थी। मुझे उनकी हिम्मत को देखकर खुशी होती थी। वह जेल में अन्य कैदियों के साथ योगा क्लास करती थी। उन्होंने खुद को जेल के हिसाब से ढाल लिया था क्योंकि महामारी की वजह से उन्हें घर का खाना भी नहीं मिलता था और वह अन्य कैदियों की तरह ही रहती थी। रिया ने 28 दिन जेल में बहुत दुख झेला। एक आर्मी परिवार से संबंध रखने की वजह से वह खराब परिस्थितियों से लड़ी। सुशांत के परिवार के बारे में बात करते हुए सतीश मान शिंदे ने कहा कि वह रिया के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि वह सुशांत के लिए उनके परिवार से पहले थी। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।